प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। जी हां, देश में अगले महीने से कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक सभी 18 प्लस के लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल तो देश में वैक्सीन की कमी नजर आ रही है, लेकिन खबर है कि अगले महीने यानी अगस्त से देश में बनी स्पुतनिक वी के अलावा बायोलॉजिकल ई और जाइडस कैडिला का वैक्सीन भी लोगों को लगने लगेगा। इसके बाद हर दिन 80 से 90 लाख वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर है कि जुलाई में वैक्सीन की 12 करोड़ खुराकें उपलब्ध हो जाएंगी। ये वैक्सीन की खुराक कोविशील्ड और कोवैक्सीन की होंगी। अगस्त सितंबर से इनके उत्पादन में भी थोड़ी बढ़ोतरी की जाएगी। जाइडस कैडिला का वैक्सीन तैयार है, ये मंजूरी की प्रक्रिया में है। यही नहीं, बायोलॉजिकल ई के वैक्सीन के परीक्षण भी करीब करीब पूरे हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अगस्त से इसकी भी आपूर्ति शुरू हो सकती है। कैडिला का शुरुआती उत्पादन हर महीने के हिसाब से 1 से 2 करोड़ और बायोलॉजिकल ई का 4 से 5 करोड़ रहने की संभावना जताई जा रही है। खबरों की माने तो स्पुतनिक वैक्सीन का हिमाचल में उत्पादन शुरू हो चुका है। साथ ही स्पुतनिक वी वैक्सीन रूस से आयात होकर भी आ रही है। उधर मॉडर्ना और सिप्ला के बीच वैक्सीन की खरीद को लेकर भी बातचीत अंतिम दौर में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी अगस्त से मॉडर्ना का वैक्सीन भी आयात होकर देश में लगाया जा सकता है। फाइजर वैक्सीन की बात करें तो इससे भी सरकार की बात अंतिम दौर में है। 1-2 महीनों के भीतर आपूर्ति संभव दिख रही है। मंत्रालय के अनुसार अगस्त से वैक्सीन की उपलब्धता बढ़नी शुरू हो जाएगी और सितंबर अक्टूबर में रोजाना 1 करोड़ तक वैक्सीन देश में लगने शुरू हो सकते हैं। इधर IMA ने लोगों के ढिलाई बरतने और COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन किए बगैर बड़ी संख्या में एकत्र होने को लेकर सोमवार को चिंता प्रकट की है। साथ ही कहा है कि ये घटनाएं महामारी की तीसरी लहर का मुख्य कारण बन सकती है। IMA ने एक बयान में कहा कि पर्यटकों का आगमन, तीर्थ यात्राएं, धार्मिक उत्साह जरूरी है, लेकिन कुछ और महीने इंतजार किया जा सकता है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।